कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग आगरा की ओर से सपा और भाजपा दोनों पर जमकर हमला बोला गया है। कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष रेहान सैफी ने प्रेस वार्ता कर सपा और भाजपा को एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही दल एक दूसरे के पूरक नजर आ रहे हैं। यह दोनों ही पार्टियां मुस्लिम समाज का राजनीतिक रूप से शोषण कर रही हैं। ये आज पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर में जो है कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। जो आज की हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये जो आज हमारा ही जो ये कॉन्फ्रेंस करने के जो कारण है, अभी आपको मालूम है कि निकाय चुनाव भी आने वाले हैं और मेयर का भी चुनाव होने के लिए जा रहा है। अभी एक मामला है 2007 के अंदर में जब योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया था गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर, उसको याद करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि वो फाइल भी हम लोगों के सामने आई थी, लेकिन हमने उसके अंदर में कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो इससे ऐसा ये प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों दल मिले हुए हैं। दोनों ही दल जो है मुस्लिमों के वोट को एक डराने का काम करता है, दूसरा समाजवादी पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में यूज करता है। तो जो हम लोग यहाँ पे जो आज उपस्थित हुए हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारी कॉन्फ्रेंस जारी है हमारे सम्मानित चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब के निर्देश पर, उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी जी के आदेश पर हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम मुसलमान को सचेत करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए आप लोगों का हित नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको ये ठगने का काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर में ये मैसेज देना चाहते हैं उस भाषण के माध्यम से कि अगर अखिलेश जी उस मामले को अपने संज्ञान में लेते और अगर उसके ऊपर उन्होंने अपना राज धर्म अपनाया होता, क्योंकि प्रजा सबके लिए, राजा के लिए प्रजा पूरी तरीके से बराबर होती है, उन्होंने अपना राज धर्म नहीं अपनाया। हमको ऐसा महसूस होता है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इनको डरा के धमकाने का काम करेंगे, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम आपको इनसे बचाएंगे। तो हम लोग मुसलमानों को पूरी तरीके से मुस्लिम समाज को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरा अभियान हमारा जो है अभी पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी हमारा अभियान चल रहा है, और हमें अब पूरी पूर्ण उम्मीद है कि इसके अंदर में हम लोग सक्सेस होंगे। ये 2007 में योगी जी ने जो भड़काऊ भाषण दिया था उसका 2012 से लेकर 17 तक सपा गवर्नमेंट रही थी, तो उस बीच में अखिलेश जी के पास फाइल आई थी योगी जी की, तो उनने अपना राज धर्म ना निभाते हुए कोई योगी जी पर कार्रवाई नहीं की, उसके लिए आज हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम अपने मुस्लिम भाई बहनों में लोगों में जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये दोनों दल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिली भगत इन दोनों की है, ये एक डराता है और एक पुचकारता है, तो ये मुसलमानों को गुमराह करने के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और अपने मुसलमानों में लेके आने वाले नगर निकाय चुनाव में इसका असर दिखाई देगा साफ तौर पर मुस्लिमों में।